हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक फिंगर्स यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स फॉर होम इन 2022। तो दोस्तों, यहां पर मैंने परचेस करके रखा हुआ है फिलिप्स का ये वैक्यूम क्लीनर, जिसका नाम है फिलिप्स पावर प्रो कॉम्पैक्ट। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है, इस वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो जल्दी से मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। कुछ 8-10 किलो का यहाँ पर वजन रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं। अब इस बॉक्स को मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, मैं इसको पूरा ओपन करूंगा इसी वीडियो के अंदर, इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और सारे फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा, कितना इसका सक्शन पावर कितना, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम इसके सारे फीचर्स, जो कुछ भी हमें इसमें एक्सेसरीज मिलती है, वो सारी चीजें मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। और साथ में इसी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि अगर आप परचेस करना चाहते हो अपने घर के लिए, तो आप भी इसे परचेस कर सकते हैं। और इसी रेंज में आने वाले दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स का भी मैं यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप अगर उनमें से भी कोई परचेस करना चाहते हो, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और गाइस, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, तो ये रहा हमारा बॉक्स कंप्लीट। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ अब। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं एक एक करके जो भी हमारा एक्सेसरीज है और जो मेन प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालूंगा। तो चलिए मैं इसको एक बार यहाँ से कट कर लेता हूँ। ओके, तो हम इसको साइड से भी और कट कर लेते हैं। और तो बॉक्स तो हमने लगभग ओपन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक्सेसरी दिख रही है। तो ये जो है, ये कुछ खास इसका काम यहाँ पर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका काम यह है कि ये इसकी जो लेंथ है, इस कॉर्ड की जो लेंथ है, ठीक है, इसके लेंथ को, ये जो सक्शन ट्यूब है, इस ट्यूब की लेंथ को हमें अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मकड़ी का जाला वगैरह हटाना हो, तो ऐसे में जो इसकी लेंथ है, वो आपको शायद हो सकता है कम पड़े, तो ऐसे में आप इसको लगाकर साथ में इसकी लेंथ को आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके का है ये, तो आप इसको साथ में लगा सकते हो और एक्शन कर सकते हो। इसका जो लॉक वगैरह, इसका पूरा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये देख सकते हो, ये ट्यूब है, इसका जो है लगभग 2 फीट के आसपास का ये ट्यूब रहेगा, तो 2 फीट तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, और अब मैं इसको साइड में रख लेता हूँ एक बार के लिए, और जो दूसरा हमारा एक्सेसरी है वो निकाल लेता हूँ। तो ये एक छोटा सा एक्सेसरी हमें मिलता है, ये भी एक एडिशनल प्रोडक्ट है, ताकि अगर आप अपने सोफे में वगैरह कहीं कॉर्नर्स को साफ करना चाहते हो, तो हमारे जो मेन ब्रशेस है, ठीक है, ये जो मेन प्रोडक्ट्स है, ये कॉर्नर्स को साफ करने के काम नहीं आएंगे, आपको इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये एक एडिशनल प्रोडक्ट दिया जाता है, ताकि आप सोफे या फिर आपके बेड के कहीं कॉर्नर में आप इसको साफ कर पाओ। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए इसको भी साइड में रख देता हूँ। तो अब जो ये प्रोडक्ट आ रहा है, इस चीज का आप यूज कर सकते हो। ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीनिंग के लिए होता है, यहाँ पर वेट के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। ये जो कंप्लीट प्रोडक्ट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज होता है। मतलब अगर आप इसको डस्ट वगैरह क्लियर करना चाहते हो, तो आप इससे कर सकते हो, लेकिन अगर आप पानी वगैरह करना चाहते हो, तो ये इसके लिए नहीं बना है। ठीक है, तो गाइज ये वाला आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं इसको सब कैसे अटैच करना है, कैसे काम करते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हमारी एक और एक्सेसरी रहती है, और ऐसा का ऐसा हमें एक और यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, ये दो अलग अलग फीचर्स होते हैं इसके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको कुछ ब्रशेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर रोटेट हो गए। तो ये जो ब्रशेस है, ये एक एडिशनल हमें मिलता है, और ये है, इसके अंदर आपको किसी भी तरह का वैसा ब्रश नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर कॉर्नर में एक हल्का सा ब्रश यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो डस्ट को एक तरफ इकट्ठा करता है। ठीक है, और ये जो है, ये डस्ट को अपनी जगह से हिलाएगा, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये डस्ट को अपनी जगह से हिलाएगा, और फिर इसको सक्शन पंप की तरह थ्रू अपने साइड खींच लेता है। ठीक है, ये हिलाने के काम आता है, अगर ये नहीं रहेगा तो डस्ट हिलेगा नहीं, और हिलेगा नहीं तो हम इसको सक्शन पंप के थ्रू हम इसको खींच भी नहीं सकते। और इसमें आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, ये आप डायरेक्टली फ्लोर पे यूज़ कर सकते हो, और ये आप सोफा और बेड वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ करते हो, क्योंकि सोफा और बेड पे जो डस्ट होता है, वो जमा हुआ होता है, और उसको इन ब्रशेस के थ्रू अपने पोजिशन से हिलाना पड़ता है, और हिलते जैसे वो हवा में आते हैं, ये सक्शन ट्यूब उसको खींच लेता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट हो गए। तो ये दो हमें जो बड़े एरियाज है उनके लिए होता है, और मैंने आपको छोटे एरिया मतलब कॉर्नर्स के लिए तो मैंने आपको पहले से बता दिया। तो ये हमारा एक्सेसरी ये हो गया, इसको भी मैं एक बार के लिए साइड में रख देता हूँ। ठीक है, अब हम इसका मेन प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये एडिशनल यहाँ पर बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं इसके अंदर, तो ये आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी देखूंगा मैं भी, अगर समझ में नहीं आया तो शायद मैं भी पढ़ लूँ इसको, लेकिन क्योंकि मैं भी पहली बार अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ वैक्यूम क्लीनर का, तो चलिए एक बार के लिए भी ज्ञान की बातें साइड में रख देते हैं। और
हम इस सक्शन ट्यूब को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सक्शन ट्यूब का फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ पूरी तरह से। तो यहाँ पर ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे मेन क्लीनर पे लगता है और ये जो पोर्शन है ये हमारे हाथ में रहेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर इसका पावर एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, और बाकी सारा जो है आपको यहाँ पर एक और फीचर मिलता है कि जब आपको क्लियरली डस्ट दिख रहा है, ठीक है, और आप उसको खींचना चाहते हो तब तो आप इससे इसको खींच सकते हो। लेकिन अगर आपको इसे मान लीजिए कि आप इसको अपने बेड पे या सोफा पे क्लीन कर रहे हो तो आपको उसे ब्रश से पहले हिलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये ब्रश को आप आगे कर सकते हो यहाँ। ठीक है, आपको साइड में ये बटन मिलते हैं, इसको प्रेस करके आप इसको नीचे और ऊपर आप इसको कर सकते हो। ऐसे करके आप डस्ट को हिला के क्लीन कर सकते हो। और अगर आपको साफ डायरेक्टली आपको अगर डस्ट दिख रही है या फिर आपको मकड़ी का जाला डायरेक्टली दिख रहा है तो आप इससे डायरेक्टली से खींच सकते हो, नहीं तो आप उसको आगे करना है। ठीक है, तो गाइज ये सारे फीचर्स है इसके और ये एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लग रही है और फिलिप्स की जो आप जानते हो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड ब्रांड है तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा क्वालिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा लास्ट जो एक्सेसरीज था, मुझे लग रहा है यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और तो होना चाहिए नहीं। ठीक है, तो हमने इसको भी यहाँ पर रख दिया। अब हम अपने मेन प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे जो कि काफ़ी हैवी होने वाला है। तो चलिए, ओके गाइस, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट तो ये कुछ इस तरीके का है और यहाँ पर आपको ये मिल जाता है जो इसका टैंक है जो 1.5 लीटर का आपको देखने को मिलेगा इसका जो टैंक रहेगा। ठीक है, और बाकी ये बटन्स है। अब मैं आपको इसका कॉर्ड वगैरह बताऊँ। अगर कॉर्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो 6 मीटर का इसका कॉर्ड रहता है, अकॉर्डिंग टू वेबसाइट के हिसाब से 6 मीटर कॉर्ड रहता है। अब हमको देखना है कि एक्चुअल में ये 6 मीटर का कॉर्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं इस बॉक्स पर एक बार साइड कर देता हूँ और मेन प्रोडक्ट को हम इस टेबल के ऊपर रख देंगे। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा मेन मशीन। तो अब इस मशीन के बारे में आपको कुछ और थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर दे देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर इसका व्हील लगा हुआ जिससे ये मूव होता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका व्हील देख सकते हैं जिसकी बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर लग रही है। तो ये देखिए व्हील लगा, और इसके अलावा अब हम क्या करेंगे कि इसको एक बार यहाँ नीचे से रख देंगे। ये वो टैंक है जिसकी कैपेसिटी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी 1.5 लीटर की। ठीक है, तो अब इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बटन मिलेगा। ठीक है, अभी तो इसमें अच्छा खासा प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, मैं अभी फिलहाल तो नहीं निकालूंगा, एक महीने बाद निकालूंगा जब थोड़ी सी मिट्टी हर जगह लग जाएगी। ठीक है, और अब इसको दबा के हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। अब हमको क्या होता है, इसको क्लीन करने के लिए इस पूरे जो टैंक को यहाँ से निकाल के ले जाना पड़ेगा और हमको इसको कहीं बाहर जो मिट्टी इसमें कलेक्ट होगी उसको हमें बाहर फेंक के आना। तो उसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इस बटन को दबाना है और हम इसको उठा सकते हैं। ठीक है, तो हमने पूरा जो टैंक था उसको हाथ में ले लिया है, तो उसके बाद कुछ इस तरीके दिखेगा। ठीक है, तो वापस लगा देते टैंक क्योंकि बिना टैंक के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ इसे ओपन करना है तो आपको इसे प्रेस करना, तो इस तरीके से आप इसे ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं इसके कॉर्ड लेंथ की। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा इसका कॉर्ड है। ठीक है, इसके कॉर्ड लेंथ की कंपनी बोलती है कि ये 6 मीटर का रहने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा खींच के देख लेता हूँ कि कितने कितना क्या हो सकता है। हम इसको कोई नाप के नहीं देखेंगे इस वीडियो में क्योंकि काफ़ी लंबा है ये, इसको नापने में बहुत मेहनत लग जाएगी, पर हम खींच कर देख लेते हैं, एक अंदाजे में पता चल जाता है कि कितने लेंथ इसकी हो सकती है। ओके, तो अभी भी निकल ही रहा है, तो मेरे हिसाब से सफिशियंट लेंथ है, और भी देखते हैं थोड़ा निकलता है कि नहीं निकलता है। ओके गाइस, तो काफी ओके, अब नहीं निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये है जितना ये दावा करते हैं उतना तो इसकी लेंथ यहाँ पर आराम से है, 6 मीटर की लेंथ आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको वापस अंदर कैसे डालेंगे, तो अब इसके लिए आपको सिर्फ इस बटन को दबाना है। बटन जैसे दबाते हैं ये तार को खुद अंदर खींच लेता है। ठीक है, लास्ट में आपको इसको छोड़ देना, तो इस तरीके से बहुत ही इजीली तार अंदर चला जाता है। आपको ये करने के लिए इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको जो केबल है इसको कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये काम कर लेता है। ठीक है, और ये इसका पावर बटन है कि जिससे काम कर, लेकिन इसको चलाने के लिए आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बिना बिजली के नहीं चलेगा। अब गाइस, आप ये जो पोर्शन देख रहे हो यहाँ पर हमारा जो मेन जो पंप रहेगा वो यहाँ पर ऐड होगा, जो कि हमारा जो ट्यूब है, ये ट्यूब हमारा जो रहेगा वो यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है,
तो इस ट्यूब को यहाँ पर ऐड करने के बाद ही हमारा सारा काम होने वाला है। ठीक है, आप जो कुछ भी ऐड करना चाहते हो, आपको एडिशनल जो कुछ भी ऐड करना है, वो सब कुछ आपको यहाँ ऐड करना है, ना कि यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ जो भी ऐड होगा इस जगह पर ऐड होगा। ठीक है, तो आपको आगे एक बार जब यहाँ पर लग जाए, उसके बाद सारा काम होने वाला है इससे। ठीक है, फिर यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये बटन दिख रहा है, ये बटन जो कि ये दोनों साइड आप देख सकते हो। ठीक है, दोनों साइड आपको ये बटन मिलेगा, आगे भी और पीछे भी। ठीक है, तो अब जब आप इसको डालो तब तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जब आप इसको वापस निकालना चाहते हो तो आपको इसको दबा के ऊपर खींच लेना है। ठीक है, डालते टाइम तो आप इसको कैसे भी डाल सकते हो, ये ऑटोमेटिकली ये अंदर की तरफ दब जाते हैं। ठीक है, तो अब ये सारा सब कुछ हमने कर लिया है। अब हमें देखना है कि जो बाकी के हमारे जो एक्सेसरीज है, ठीक है, तो ये वाला एक्सेसरीज जो है हमें इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, अब ये लॉक हो चुका है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये इस तरीके से ये लॉक हो चुका है। अब हमें जब इसे निकालना होगा तो यहाँ पर भी आपको एक बटन देखने को मिलेगा, उस बटन को दबाना है और ये निकल जाएगा। बहुत ही इजिली ये निकल जाता है और लगाते ही ये लॉक लग जाता है। ये वापस दबाओ और आपको सिंपली इसको निकाल सकते हो। और सारे जो एक्सेसरीज है वो इसी तरीके से लगेंगे। अब मैं आपको दूसरा भी लगा के बता देता हूँ। ठीक है, ये दूसरा है। वैसे वैसे देखा जाए तो ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लग जाएगा और आप इसको ये रोटेट हो जाता है, और इसके नीचे भी आप व्हील देख सकते हो, तो ये भी यहाँ पर नीचे रोटेट होगा, तो बहुत ही इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं ये भी निकाल देता हूँ। और जो हमने छोटा सा एक्सेसरी देखा था यहाँ पर, जो कि कॉर्नर्स को साफ करने के लिए, वो भी आपको यहीं पर लगाना है। ठीक है, इसमें कोई लॉक वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली इसको अटैच करना है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो ये वाली जो रॉड है, इसका यूज कुछ पर्टिकुलर इसका खास यूज नहीं है, बस ये इसका लेंथ को थोड़ा एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, तो अब इसको भी आपको इस साइड से अंदर एंटर करना होगा। जैसे आप एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिक लॉक नहीं होता है। ठीक है, ऐसे दबाने से लॉक नहीं, आपको इसको हल्का सा इधर उधर घुमाना पड़ेगा। जैसे आप इसको घुमाओगे ये ऊपर उठ जाता है, ये थोड़ा सा ऊपर उठते ही आप समझ जाओगे कि लो अब ये नहीं निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी इतनी तो लेंथ एक्सटेंड हुई है, लेकिन यहाँ पर आप इसको और लेंथ एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कुल मिला कि ये जो रोड थी आपको लगभग 2 फीट के आसपास मिल रही थी, तो ये सब कुछ होके लगभग 3 या 3.5 फीट की लेंथ और इसकी बढ़ चुकी है। तो आप देख सकते हो अच्छा खासा लेंथ है। एक तो आपको ये जो ट्यूब है ये तो आपको मिलता ही है, इस ट्यूब के लेंथ के साथ ये एडिशनल लेंथ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको यहाँ पर सारी एक्सेसरीज जो है अटैच करके दिखा दिया। आपको इसी तरीके से अटैच करना है, ये बटन दबेगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा, और ये वापस आप इसको अंदर डाल सकते हो। अंदर डालने के बाद आपको इसको हल्का सा घुमाना होगा। ठीक है, हल्का जैसे आप इसको घुमा देते हो ये अपने आप इसका लॉक लग जाएगा। ये देखिए लॉक यहाँ पर लग चुका है। अब इसको जैसे दबाएंगे, दबा के हम इसको वापस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम हो चुका है। तो मैं इस एक्सेसरीज को वापस पहले जैसे कर देता हूँ। तो ये हमारा जो मेन ट्यूब है हो गया, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप ब्रश का यूज करना चाहते हैं तो इसको इस ये दोनों को बटन को आपको साथ में दबाना है, और इसको पीछे करो और आगे करो। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये काम हो जाता है। ठीक है, ये एडजस्टेबल है, आपको उसका प्रेशर आप कम ज़्यादा कर सकते हो कि आप कौन सा चीज़ साफ कर रहे हो। अगर आप सोफा साफ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रेशर रखना है, कम प्रेशर रखना है, ये सारा सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब फाइनली हमारे जो मेन बॉडी है उसके अंदर आपको यहाँ पर नीचे एक और व्हील मिलेगा, जिसके अंदर आपको मल्टीपल व्हील मिलेंगे। एक तो आपको ये व्हील मिलेगा जो इसको नीचे रोटेट होने में मदद करेगा, और दूसरा ये चारों तरफ घूमता है, जिस वजह से अगर ये ज़मीन पर पड़ा हुआ भी होगा तो ये सब जगह आराम से घूम लेगा उसकी मदद से। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मूव हो जाएगा और कोई स्क्रैचेस नहीं लगेंगे आपके मेन बॉडी पर। ठीक है, अब हम कुछ और मेन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इसके जो फीचर्स है, आपको यहाँ पर ये जो रहेगा इसके जो सक्शन पावर रहने वाली है वो है 1900 वॉट की सक्शन पावर आपकी रहने वाली है, और ये होम के लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो इससे ऊपर आपको सक्शन पावर में आपको कोई वैक्यूम क्लीनर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, बाकी सारे जो वैक्यूम क्लीनर आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ, उन सबके सक्शन पावर जो है 1800 की रहने वाली है और इसकी 1900 की रह रही है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये एक आपके घर के लिए एकदम प्रीमियम वैक्यूम क्लीनर रहने वाला है। इसके अलावा कोई दूसरा वैक्यूम क्लीनर है नहीं जो इससे बेटर आपको परफॉर्मेंस दे सकती है। ठीक है, और इसके 2 साल की वारंटी रहेगी। अगर ये जो बॉडी पार्ट्स, जो प्लास्टिक बॉडी पार्ट्स आपको यहाँ पर देखा, अगर इन पे कोई भी डैमेज होता है तो वो जो वारंटी के अंदर कवर नहीं होगा। बाकी अगर हम बात करें मोटर की और अंदर की जो फंक्शनलिटी है उन पर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उस पर वारंटी कवर हो जाती है। बाकी कोई बॉडी पे कोई ब्रेकेज का कहीं पे भी आपको एक्सेसरीज पे या किसी भी चीज़ पे आपको कोई वारंटी में ये कवर नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो हमने सारी बातें यहाँ पर कर ली है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा बातें करने के लिए है नहीं, तो अब मैं आपको इसे एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, तो फिर हमारा ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
गाइस तो यहाँ पर हमने सारा सब कुछ कनेक्ट कर दिया है, अब हमको सिर्फ एक बटन दबाना है, बटन दबाने से ये चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसका जो पावर है उसको बिल्कुल मिनिमम रखा है, अगर मैं इसको पीछे करता हूँ तो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो मैं अभी एक बार इसको मिनिमम ही रखूंगा क्योंकि इसकी जो आवाज है बहुत ज्यादा होगी, हो सकता है मेरी आवाज भी आपको सुनाई ना दे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये वाली एक्सेसरी लगाई है जो छोटे एरियाज को क्लीन करता है, तो मैं एक बार इसको कनेक्ट करके चालू करके देखता हूँ। तो चालू करने के लिए आपको यहाँ पर ये बटन मिलेगा, एक तो आपको केबल का बटन मिलता है और दूसरा आपको पावर बटन मिलता है। तो मैं इस पावर बटन को अभी यहाँ दबा दूंगा, पावर इसका बहुत ही कमाल का था क्योंकि जब मैं इसको सोफा के टच कर रहा था तो इसको वापस पीछे खींचना पड़ रहा था, इतना पावरफुल इसका सक्शन है। तो बाकी अब मैं इसको रिमूव कर लूंगा और मैं देखता हूँ कि वैसे तो सोफा क्लीन रहता है तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई मिट्टी यहाँ पे खास देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा सफाई रहती है। हाँ, लेकिन अंदर की साइड यहाँ पर थोड़ी मिट्टी जरूर आई है, अगर आप देखें ध्यान से तो अंदर की तरफ यहाँ पर थोड़ी मिट्टी जरूर आई है। ठीक है, तो चलिए अब वैसे तो सोफे को क्लीन करते वक्त कॉर्नर्स को ही हम इस चीज से साफ करते हैं, बाकी अगर हमको मेनली इसको साफ करना है तो हमें दूसरा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा जो कि ये है, इसका यूज करके हमको इसे साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये कनेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये ज्यादा परफेक्टली साफ करेगा क्योंकि हमें सारा एरिया यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, अब हम फिर से इसको ऑन कर देंगे। ब्रशेस दिख रहे हैं इसके अंदर, जैसे ही मैं इसको आगे की तरफ लेके जाता हूँ तब ये ब्रशेस घूमते हैं। ठीक है, ब्रशेस घूमने के साथ साथ जो भी सोफे पे मिट्टी होगी वो वहां से अपने जगह से हिलेगी और जगह से हिलने के बाद इसकी तरफ इसके इसको इसके सक्शन जो काम करता है और इस ट्यूब के थ्रू होके यहाँ पर हमारे टैंक के अंदर कलेक्ट हो जाती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने सारी बातें कर ली है, अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जो इस वैक्यूम क्लीनर की खासियत है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसके बैक साइड में आएंगे। तो गाइस, तो इसकी जो खासियत है यहाँ पर आप देख सकते हो, इस वैक्यूम क्लीनर को जब हम इस तरीके से रखते हैं और हम क्लीन करते हैं तो जब भी हम इसे स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर ग्रिल है यहाँ से एक मतलब इसमें बहुत ही प्रेशर के साथ हवा बाहर आती है। ठीक है, तो अक्सर ये जो चीज होती है ये आपको सारे वैक्यूम क्लीनर में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में हो ये रहा है कि जो मिट्टी हम कलेक्ट कर रहे हैं उस ट्यूब के थ्रू उनमें उसमें से एक 99% जो मिट्टी डस्ट रहती है वो अंदर ही रह जाती है, लेकिन 1% जो डस्ट है वो इस हवा के थ्रू बाहर आ जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक खासियत मिल रही है, नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर्स में तो उसके अंदर जो 1% होता है वो 5% से 10% बाहर आता है, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ 1% जो मिट्टी होगी वो बाहर आएगी क्योंकि आपको यहाँ इसके अंदर एक फिल्टर देखने को मिलता है। ठीक है, इस फिल्टर की वजह से वो उस मिट्टी का जो परसेंटेज है ये बहुत ही कम हो जाता है। ये फिल्टर यहाँ पे होने की वजह से आपका जो मिट्टी है वो आप आगे से साफ कर रहे हो पीछे वापस मिट्टी फैला दे तो आपके साफ करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन ये फिल्टर होने की वजह से वो जो मिट्टी है 99% अंदर रहती है और सिर्फ 1% जो मिट्टी है वो हल्की सी बाहर आती है, जो कि हर वैक्यूम क्लीनर में होता है तो वो तो होना ही होना है, लेकिन यहाँ पर इस फिल्टर की वजह से आपको काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो
ये मैं इसको एक बार फिर से बंद कर देता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने इसको वापस बंद कर दिया है। तो हमने सारी चीज़ें इसके बारे में बात कर ली है। यहाँ पर आपको ये फिल्टर मिल जाता है, और बाकी अगर हम बात करें तो बहुत ही कमाल का ये वैक्यूम क्लीनर है, और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। इसका जो कलर वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मुझे तो ये वैक्यूम क्लीनर बहुत ही पसंद आया, तो मैं इसको मेनली अपने सोफ़ा और अपने टेबल वगैरह, अपने चेयर की सफाई करने के लिए इसको यूज़ करूंगा। अब मुझे वेट क्लीनर की ज़रूरत नहीं थी, मतलब मुझे कोई पानी वगैरह साफ़ नहीं करना था, इसलिए मैंने सिर्फ ये वाला लिया, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीन हम कर सकते हैं। हम सिर्फ डस्ट को क्लीन कर सकते हैं, हमको कोई किसी और चीज़ को इसे क्लीन करने की जो फीचर है वो इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको वेट और ड्राई दोनों चाहिए तो आप दूसरे क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं, जिसका मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इसके अंदर ब्लोअर भी नहीं आता है। ब्लोअर मतलब अगर आपको मिट्टी उड़ाना है किसी चीज़ से तो आप इसमें मिट्टी उड़ा नहीं सकते, ये सिर्फ सक्शन का काम करता है। ठीक है गाइस, तो मुझे कहीं उड़ाना नहीं था, क्योंकि मिट्टी उड़ने से मुझे एलर्जी है। तो ऐसे में मैं इसको सक्शन में ही मैं सेटिस्फाइड था, और मुझे फिलिप्स कंपनी पे काफ़ी भरोसा है, तो इस वजह से मैंने इसको परचेस किया है। आप अगर कोई दूसरा कंपनी परचेस करना चाहते हो तो यूरेका फोर्ब्स जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है, और बहुत ही पावरफुल वैक्यूम क्लीनर्स बनाती है। और अगर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक मैं दे रहा हूँ, उनमें से काफ़ी ज़्यादा यूरेका फोर्ब्स के होंगे, क्योंकि वो बहुत ही कमाल के होते हैं। लेकिन वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट भी रहेगी वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। होम पर्पज़ के हिसाब से इतना सफिशियंट होता है, या फिर मैं कहूँगा कि मोर देन इनफ होता है, कि इससे ज़्यादा पावरफुल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और जो बाकी लिंक्स आपको मिलेंगे उसके अंदर आपको 10 लीटर की कैपेसिटी मिलेगी, टैंक कैपेसिटी मिलेगी, जिसके अंदर 8 लीटर जो रहेगा वो रहेगा आपका वेट क्लीनिंग के लिए, और 2 लीटर आपको जो स्पेस मिलेगी वो रहेगी डस्ट क्लीनिंग के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा पसंद आता है। ये तो मैंने आपको पूरा चला के दिखा दिया, और मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ इसके सक्शन पावर के साथ, क्योंकि 1900 वॉट का आपको यहाँ पर सक्शन पावर देखने को मिलता है, जो कि आपको किसी भी और वैक्यूम क्लीनर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, तो अब आप भी जाके चेक कर सकते हो, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।